लाठी चले, गोली चले, पानी चले, हम लोग नहीं हटेंगे और बगैर हम लोग निर्णय किए हुए यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी करे सरकार। पटना विश्वविद्यालय छात्रावास खाली कराने को लेकर आज पटना की सड़कों पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और विधानसभा मार्च निकाला। सीधे तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महेंद्रू से लेकर पटना के जेपी गोलंबर तक पैदल मार्च किया गया। बिहार के कई ऐसे जिले से जो जातीय जनगणना को लेकर और जो पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास है उसे खाली कराने के विरोध में पूरी तरीके से प्रदर्शन किया गया। उनका मांग है कि सरकार जो है नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर चाहे एससी एसटी के छात्रों को लेकर विरोधी है और सरकार जो है अनदेखा कर रही है। जो हम लोग अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो हॉस्टल है उसे खाली कराया जा रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले हमने जो सरकार से मांग कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हम लोग की मांगों को पूरा नहीं कर रही है, इसलिए आज हम लोग पटना की सड़कों पर आंदोलन करने निकले हैं। वहीं पुलिस ने जब लाठियां चार्ज की है तो वो तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जो छात्र आए हैं बिहार के कई ऐसे जिले से वो पूरी तरीके से उन पर लाठियां चार्ज की गई है। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से पुलिस बल का तैनाती पूरी तरीके से किया गया है। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के छात्रों को पीटा है। यह तस्वीर आपके देख स्क्रीन पे है कि जो छात्रावास है पटना विश्वविद्यालय का उसे खाली कराने के मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया है। उनका कहना है कि हम सरकार जो है दलित विरोधी है और हम लोग दलित छात्र हैं इसलिए हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार चाहती है कि दलित के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए तो हम लोग को क्यों खाली कराया नहीं पढ़ाया जाए। वहीं उनका यह भी कहना है कि हम लोग पहले एससी एसटी छात्र हैं इसलिए हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से यानी नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार है, पहले जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है, वहीं अब पटना विश्वविद्यालय का जो छात्रावास है उसे खाली कराना चाहती है। क्या कुछ कहा इस मामले पर जब छात्रों की पिटाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी पिटाई हुई, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है जो पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास के जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले पर, पहले हम उनकी बातों को आपको सुनाते हैं। फरमान है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं, हम इसलिए के नहीं मानते हैं, बिहार में और भी हॉस्टल हैं लेकिन इनको यह दलित विरोधी इनकी साफ साफ झलकती है। इन्होंने जो फरमान जारी किया है एससी एसटी हॉस्टल को खाली करने का वह हम लोग निश्चित नहीं करेंगे, इनके लिए जो करना पड़े। पूरे बिहार के अम्बेडकर कल्याण छात्रावास को खाली करने का आदेश अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के सचिव ने दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जो अभी जो यूनिवर्सिटी में सभी छात्रों का एग्जाम चल रहा है तो आप किस लिए खाली कराना चाह रहे, क्या आप दलित छात्रों को पढ़ने नहीं देना चाहते? जब 2 साल कोरोना में लॉकडाउन में बंद था बिहार, पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद था, तो उस समय सरकार कहाँ थी? उस समय सैनिटाइज क्यों नहीं, और सैनिटाइज भी हो तो सिर्फ दलितों के छात्रावास में क्यों सैनिटाइज हो अम्बेडकर हॉस्टल की? ये तो फिर वही व्यवस्था छुआछूत वाली व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है कि भाई छुआछूत का बीमारी दलिते में है, एकरे से छुआता है, पहले एकरे साफ करो। ये कोई तरीका नहीं है, पूरे लड़कों को पढ़ाई से बाधित करने का ये निर्णय लिया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं और हम लोग महेंद्रू से चल करके यहाँ पैदल मार्च विधानसभा मार्च के लिए आए हैं और जब तक आदेश वापस नहीं होगा लाठी चले, गोली चले, पानी चले, हम लोग नहीं हटेंगे। नहीं तो मुख्य सचिव और मंत्री या सेक्रेटरी हम लोगों से यहाँ मिलने, हम लोग डेलीगेशन नहीं जाएंगे। कई बार प्रोटेस्ट किया गया है, बावजूद उसके नहीं सुना जा रहा। पिछले 25 अगस्त को मैंने किया था प्रोटेस्ट, वो छात्रवृत्ति आंदोलन था और 2 दिन में उसका असर दिखा, हम लोग जब डेलीगेशन जाके मिले। ये छात्रावास के लिए पहले छात्रवृत्ति छीना दलितों का, अब छात्रावास छीना जा रहा। तो साफ साफ कह दे नीतीश कुमार की दलित को पढ़ने नहीं देंगे, हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे जो पहले व्यवस्था था। तो ये नहीं चलने वाला है, सरकार दलित विरोधी है, छात्र विरोधी है, अम्बेडकर छात्रावास विरोधी है। पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं आज इस मार्च में और बगैर हम लोग निर्णय किए हुए यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे कुछ भी करे सरकार।
तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से उनका यही कहना है कि दलित विरोधी सरकार है, दलित छात्रों को पढ़ना नहीं देना चाहती है, इसलिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास जो है उसे खाली कराया जा रहा है। वहीं जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर दलित छात्रों ने पूरी तरीके से पटना की सड़कों पर आज जोरदार प्रदर्शन किया है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 जी।